न्यूज धमाका लाइव, यहां सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर में शनिवार को सड़कों पर कड़ी धूप में एक व्यक्ति देश का तिरंगा झंडा अपने कंधों पर लेकर सड़क पर चलता देखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये व्यक्ति किसी आम नागरिक की समस्या हेतु नहीं, बल्कि घाघीडी सेंट्रल जेल में बंद सजा याफ्ता कैदियों के मौलिक सुविधाओं देने हेतु नंगे पांव धूप में चल रहा है। इस व्यक्ति का नाम आफ्ताब अहमद सिद्दीकी है और ये मांगो के आज़ाद नगर का निवासी है। सजा याफ्ता कैदियों को मौलिक सुविधाएं दिए जाने की मांग पर इन्होंने मांगो के चेपा पुल से कड़ी धूप में नंगे पांव यात्रा शुरू की और लगभग 7 किलोमीटर का सफर तय करके जिला मुख्यालय पहुंचा, जिसके बाद मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा। ऐसा पहली बार जमशेदपुर में देखा गया है, जहां कोई व्यक्ति जेल में बंद कैदियों की समुचित बिजली और पानी मुहैया करवाने की मांग को लेकर नंगे पांव चलते देखा गया है। और क्या कुछ कहा आफ्ताब अहमद सिद्दीकी ने जेल में बंद कैदियों को लेकर, खुद सुने। देखिए, बस्ती का काम करने के लिए बहुत नेता, अभिनेता, कलाकार हैं, लेकिन 6 महीना जेल में रहने के बाद जो अपनी माँ और बहनें, छोटे छोटे बच्चों को जो मैंने तकलीफ़ देखी है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है भाई। हम आप एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, पंखे में रहते हैं, वहाँ 5 बजे शाम से सुबह 5-5:30 बजे तक बंदी हो जाता है, और जब लाइट कटती है तो नर्क से बदतर हालत होता है, मैंने जहन्नम महसूस होता है। उसकी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए आज मैं पैदल चला हूँ, लेकिन मैं खुद पेशेंट हूँ। आज सुबह ही 300 शुगर का बीपी है, लेकिन तकलीफ दूसरे की तब आपको एहसास होगी जब आप खुद उस तकलीफ को अपने अंदर साबित कीजिएगा, अपने अंदर सुकून कीजिएगा। और मेरा अपना तो मानना है कि मैं एक एयर कंडीशन हॉल में बैठ के बढ़िया इंतजाम करके जमशेदपुर के तमाम पत्रकार भाइयों को बुलाता और एसी चालू करके बढ़िया से बैठ देता, बढ़िया से बयान देता और काम खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, जमीनी स्तर पर चलना है। मेरा तो वही है कि बढ़ रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मनमन भाई आपके सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना आफ्ताब सिद्दीकी का मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो बस उपायुक्त महोदय के पास जा रहा हूँ, अपने आदरणीय मंत्री से बात की है और कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको भी पानी और बिजली मिले। 2000 बंदी है भाइयों, अपराधी कौन नहीं है ये अल्लाह और कोर्ट डिसाइड करेगी। इंसानियत भी कोई चीज़ है, मानव अधिकार आयोग कहाँ सोया हुआ है कि बिजली कटती है, तरसता है लोग, कोई देखने वाला नहीं है। सरकारें कहाँ है, उनको संज्ञान लेना चाहिए, बताना चाहिए, बोलना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। 4 घंटा नल चलाता है तो 1 बाल्टी पानी भरता है क्या? वो 2000 जो बंदी जेल में, वो इंसान नहीं है? पहले वो इंसान है, बाद में अपराधी। अभी डीसी के मार्फत किनको ज्ञापन दीजिएगा? डीसी को देंगे, जिला की मालिक कोई है, बाद में देखेंगे अगर कार्रवाई। पूरा नाम बता दीजिएगा। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक आफ्ताब अहमद सिद्दीकी जाएगा। मेरा नाम आफ्ताब अहमद सिद्दीकी, कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा सिपाही।